प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप सबका उत्साह कायम होगा। बच्चों, आज हम सातवीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 9 मृदा पढ़ेंगे। बच्चों, हम मृदा के बारे में थोड़ा बहुत पहले से जानते हैं। बिना मृदा के पेड़ पौधे नहीं रह सकते और बिना पेड़ पौधों के जीवित जीव नहीं रह सकते। तो मृदा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, हम यह देखते हैं कि आज हम इस अध्याय में क्या सीखेंगे। मृदा की महत्ता, मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल, मृदा के प्रकार, मृदा के गुण, मृदा में नमी, मृदा और फसलें। तो बच्चों, अब हम एक एक करके इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम मृदा या मिट्टी की महत्ता के बारे में जानते हैं। मृदा पृथ्वी की सतह की सबसे बाहरी परत है, जो कि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और यह सभी जगह पर मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि मृदा इतनी आवश्यक क्यों है? जी हाँ, हम सभी को पता है कि मृदा पादपों की वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। यह पादपों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखती है और पादपों को जल और पोषक पदार्थों की भी आपूर्ति करती है। मृदा की अनुपस्थिति में हम भोजन प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही मृदा कई जीवों का निवास स्थान भी है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मिट्टी या मृदा हमारे जीवन का एक बहुत ही आवश्यक अंग है। आइए बच्चों, अब हम मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल के बारे में पढ़ते हैं। मृदा की विभिन्न परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। यह तीन परतों से बनी होती है, जिन्हें संस्तर स्थितियां कहते हैं। इन संस्तर स्थितियों को हमने ए, बी और सी नाम दिया है। संस्तर स्थिति ए सबसे ऊपरी परत है और इसका रंग गहरा भूरा होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत अधिक होती है। यह परत नर्म और सरंध्र होती है और इसमें जल को धारण करने की क्षमता भी बाकी परतों से ज्यादा होती है। इस परत को शीर्ष मृदा भी कहा जाता है। बी संस्तर स्थिति में शीर्ष मृदा के नीचे वाली परत आती है, जो ज्यादा कठोर और ज्यादा सहत अर्थात घनी होती है। इसे मध्य परत भी कहा जाता है। यह हल्के लाल भूरे रंग की होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम लेकिन खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। इसलिए यह मृदा की परत पादपों के लिए अधिक योग्य नहीं होती। सी संस्तर स्थिति मध्य परत के नीचे होती है। यह पत्थरों और चट्टानों से बनी होती है।
इसमें ह्यूमस बिल्कुल भी नहीं होती। सी संस्तर स्थिति के नीचे आधार शैल होती है जो बहुत कठोर होती है और जिसे फावड़े से खोदना बहुत कठिन होता है। आइए बच्चों, अब हम मृदा के प्रकार जानते हैं। मृदा मुख्यतः तीन प्रकार की होती है, बलुई मृदा, दुमटी मृदा और मृणमय मृदा। इनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए हम मृदा के तीन नमूने इकट्ठा करें और उनके बारे में एक एक करके पढ़ें। सबसे पहले नमूने में हम देखते हैं कि बड़े कणों की अधिक मात्रा है। इस मृदा को बलुई मृदा या बलुई मिट्टी कहा जाता है। इस मृदा में जल को थामे रखने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए बलुई मृदा में पादप कम बढ़ते हैं। आइए अब दूसरे नमूने को देखते हैं। इसमें छोटे कणों की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसे मृणमय मृदा कहा जाता है। ये बहुत चिकनी होती है और कणों के बीच का स्थान कम होने के कारण यह वायु को पकड़कर नहीं रख सकती, इसलिए इस मृदा में भी पादपों की वृद्धि बहुत मुश्किल होती है। चलिए तीसरे नमूने को देखते हैं। इस मृदा में छोटे और बड़े कण बराबर मात्रा में होते हैं, इसे दुमटी मृदा कहा जाता है। अतः पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी मृदा होती है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा के कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी के तलों या आधारों में निक्षेपित होती है। गाद के कणों का साइज बालू और चिकनी मिट्टी के साइज के बीच का होता है। दुमटी मृदा में ह्यूमस भी होती है, अतः दुमटी मृदा पादपों को उगाने के लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, क्योंकि इसमें पादपों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मृदा के गुण। आइए बच्चों, अब एक क्रिया के द्वारा हम मृदा के गुणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक क्रियाकलाप से हम मृदा के द्वारा जल को सोखने के गुण के बारे में जानेंगे। इस क्रियाकलाप के लिए सभी विद्यार्थियों को हम तीन समूहों में बांट देते हैं और इन समूहों का नाम देते हैं हम 1, 2 और 3। हम यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि किसी दिए गए स्थान पर जल कितनी तेजी से मृदा से नीचे चला जाता है। इसके लिए हम एक खोखले बेलन या पाइप का इस्तेमाल करेंगे। जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करते हैं, वहां पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धसा कर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 मिलीलीटर जल डालिए। 200 मिलीलीटर जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 मिलीलीटर की एक खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट करिए जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि के द्वारा अवशोषित हो जाए
अर्थात अंतःस्रवित हो जाए और पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट कर लीजिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में जल डालते समय जल ना तो छलके और ना ही पाइप के बाहर गिरे। 200 मिलीलीटर जल के मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर हम अंतःस्रवण दर की गणना इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। अंतःस्रवण दर, जिसे हम नापते हैं मिलीलीटर प्रति मिनट में, इज इक्वल्स टू जल की मात्रा मिलीलीटर में बटा अंतःस्रवण अवधि मिनट्स में। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में हम 200 मिलीलीटर जल लेते हैं और इस जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्रवण दर होगी 200 मिलीलीटर बटा 20 मिनट, जो कि बराबर होगी 10 मिलीलीटर प्रति मिनट के। मृदा में नमी व मृदा के द्वारा जल का अवशोषण। आपने देखा होगा कि किसी खुले मैदान या खेत में जमीन के ऊपर की वायु कंप दीप्त हो रही है, जैसे कि गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही हो। आइए हम एक क्रियाकलाप के द्वारा इसका कारण देखते हैं। एक कांच की परख नली लीजिए, उसमें 2 चम्मच मृदा डालिए, इसको कुछ समय तक लौ पर गर्म कीजिए। गर्म करने पर मृदा में से जल वाष्पित होकर ऊपर उठता है और परख नली के ऊपरी भाग की अपेक्षाकृत ठंडी भीतरी दीवार पर संघनित हो जाता है। यही कारण है कि सूर्य की गर्मी के कारण जल के वाष्पीकरण होने पर मृदा के ऊपर वाली वायु हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है। मृदा को गर्म करने के बाद उसे क्वथन नली में से बाहर निकाल लें। इसकी तुलना उस मृदा से करें जिसे गर्म नहीं किया गया हो। बच्चों, यह मिट्टी या मृदा में नमी का कारण था। अब हम मृदा द्वारा जल के अवशोषित होने की विधि को देखते हैं। प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर उसे कीप में लगा दीजिए। किसी भी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे कीप में लगाए गए फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसकी माप नोट कर लीजिए। अब इस जल को बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। जल डालना तब तक जारी रहे जब तक कि वह रिस कर कीप से नीचे गिरना आरंभ ना कर दे। मापन सिलेंडर में बचे जल को माप कर उसे आरंभिक माप में से घटा लीजिए, जिससे आपको मृदा के द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। इस क्रियाकलाप को मृदा के अलग अलग नमूनों में भी करके देखा जा सकता है और
प्रत्येक मृदा की अवशोषण शक्ति को भी पता किया जा सकता है। आइए बच्चों, अब हम मृदा और उसमें उगने वाली फसलों के बारे में जानते हैं। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण्मयी मृदा, कुछ में दुमटी मृदा और कुछ क्षेत्रों में बलुई मृदा भी पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता के द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायवीय कारक हैं जो कि मृदा प्रोफाइल को या मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं और मृदा की संरचना में परिवर्तन लाते हैं। मृण्मयी और दुमटी मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त होती है। ऐसी मृदा की जल धारण क्षमता अच्छी होती है। धान के लिए मृण्मयी मृदा व जैव पदार्थों से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दुमटी मृदा की आवश्यकता होती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई, दुमट अथवा दुमटी मृदा ही अच्छी मानी जाती है, जिसमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण करती है। अलग अलग मृदा प्रकार में अलग अलग उपजाऊ शक्ति होती है और इस उपजाऊ शक्ति को ध्यान में रखकर उसमें अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। चलिए बच्चों, अब हम मृदा अपरदन के बारे में जानते हैं। जल, पवन या वायु अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हट जाना अपरदन कहलाता है और मृदा का अपरदन मृदा की उर्वरता के लिए बहुत हानिकारक होता है। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ की दोहराई करें। मृदा में मौजूद सड़े गले जैव पदार्थों को ह्यूमस कहा जाता है। मृदा की अलग अलग परतों से गुजरती हुई ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न आमाप के कणों के अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तीन प्रकार की मृदा है, बलुई मृदा, मृण्मयी मृदा और दुमटी मृदा। मृदा अपने आप में जल को रोक कर रखती है और इसे मृदा की नमी कहा जाता है। आइए बच्चों, अब आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछे जाएं। उम्मीद है ये आपको आते होंगे। मृदा निम्न तीन प्रकार की होती है। जी हाँ, मृण्मयी, दुमटी और बलुई। प्रश्न नंबर दो, क्या दालों के लिए दुमटी मृदा अधिक उपयुक्त होती है? हाँ या नहीं? जी हाँ, दालों के लिए दुमटी मृदा अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तीसरा प्रश्न, बलुई मृदा की जल सोखने की क्षमता सबसे
अधिक होती है, सही या गलत? जी हाँ, गलत। बलुई मृदा की जल सोखने की क्षमता अधिक नहीं होती। अपरदन क्या है? जल और पवन के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का अपनी जगह से हटना मृदा का अपरदन कहलाता है। आखिरी प्रश्न, कपास के लिए कौन सी मिट्टी या कौन सी मृदा अच्छी होती है? जी हाँ, कपास के लिए बलुई दुमट मृदा सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सभी को यह अध्याय समझ आ गया होगा। तो बच्चों, आप तंदुरुस्त रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद।